हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको मैं एक लंबे समय जानता हूं और इनका एक लंबा करियर है बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। तो मेरे साथ है विवियन और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे है। फर्स्ट ऑफ ऑल विवियन, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अमित। तो मैंने कहा कि मैं विवियन तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, मुझे असल में तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल एक फिल्म की तरह है। जैसे किरदार आपने एक अपने शो में निभाया था, ट्विस्ट एंड टर्न सब कुछ है जो एक फिल्म में होता है। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस पर कि जो भी रहा है मज़ा बड़ा आया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर वेयर एवर आई एम इन लाइफ एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी। मुझे याद है कसम से का सेट आपका पहला शो एंड आई रिमेम्बर, आई मीन बॉय स्टैंडिंग एंड हाउ हैज बीन द जर्नी फ्रॉम कसम से इन 2008 टू नाउ। सी, इट्स बीन अ फैबुलस जर्नी एंड आई थिंक यू नो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने हमेशा मेरी हैसियत और मेरी काबिलियत से ज़्यादा दी है। एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम प्यार की कहानी टू मधुबाला टू शक्ति टू स्विफ्ट, आई थिंक मैं तो आखिरी इंसान होना चाहिए मुझे जो कंप्लेंट करेगा अपने करियर के बारे में, बिकॉज़ यू नो ऑल द शोज हैव बीन डिसेंटली हिट एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी। मैं सिर्फ हार्डवर्क करता हूँ बाकी। ये जो साल अभी पिछले गए हैं, हमने लॉकडाउन देखा, हमने OTT का ग्रोथ देखा, सिनेमा को चेंज होते हुए देखा, तो क्या आप देखते हैं आजकल? एक ज़माना था टीवी ऐसे समझा जाता था, लेकिन अभी आई थिंक OTT के आने से अभी एक्टर के रूप में पहचाने नहीं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक विक्रांत मैसी फ्रॉम बालिका वधु टू 12th फेल, मृणाल ठाकुर फ्रॉम कुंडली भाग्य टू लाइक डूइंग फिल्म विच आर पैन इंडियन। तो एक कलाकारों के लिए एक बड़ा अच्छा फेस भी है कि मतलब आजकल OTT इज़ बीन अ वेरी गेम चेंजर। सी, ऑफ कोर्स OTT इज़ बीन अ बिग गेम चेंजर एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, आपसे भी यही कहूँगा कि जिस भी जगह आप ज़िंदगी में हैं वहाँ किसी वजह से हैं और वहाँ आपको होना है। सो वो कोई भी पोजिशन हो, OTT हो या TV हो, सो हर इंसान जहाँ पर भी होगा और अगर अपना बेस्ट करेगा, हार्डवर्क करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, सो आई थिंक यू मेक अ नेम। फिर वो OTT नहीं, TV नहीं, फिल्म नहीं, यू नो, समबडी विल be good at his job and you know be ambitious enough to get it and work hard over himself, I think nobody can stop that person. Now when people meet you, the fans, which are the shows they recognize, which character? All of them. मतलब मैं surprise हो जाता हूँ, मतलब people still remember प्यार की कहानी, people still talk about मधुबाला, people talk about शक्ति, so मुझे you know और they remember me and वो मुझसे बातें करने लग जाते हैं। तो टेलीविजन का एक पावर है, लोग आपको अपना बना लेते हैं जो आई थिंक एक सिनेमा से ज़्यादा और OTT से भी ज़्यादा है। तो व्हाट यू हैव टू से कि टेलीविजन एकदम लोगों के दिलों में सीधा पहुंचता है? सी, द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट टेलीविजन हैज एंड आई थिंक दैट स्ट्रेंथ इज कनेक्टिंग विद पीपल ऑन अ डेली बेसिस। सो टेलीकास्ट यूजली जो होता है, कई बार हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन होता है। सो आई थिंक यू नो लोगों के ज़िंदगी का हम एक हिस्सा बन जाते हैं। You know, आप टेलीकास्ट होते हैं तो वी बिकम लाइक हाउस होल्ड नेम्स एंड आप उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा हैं कि कोई कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक काम कर रहा है और उनको पता है कि इतनी बजे शो आएगा, तो वो अपना काम करते करते, कुछ लोग शो सुनते भी हैं, नॉट ओनली दे वॉच कि वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको शो मिस नहीं करना है, सो दे आर हियरिंग बिकॉज दे नो द स्टोरी इन देयर हेड बिकॉज दोज आर एविड वॉचर्स। जी, लास्ट शो उदारिया आपने किया था चंडीगढ़ में, हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस शूटिंग आउटसाइड बॉम्बे? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आई थिंक रवि सरगुन आर फैबुलस प्रोड्यूसर्स, फैंटास्टिक ट्रीटमेंट एंड सो मच ऑफ लव एंड वार्मथ दे गेव मी इन पंजाब एंड दे मेड मी फील एट पंजाब और काफ़ी मज़ा आया एंड इट वॉज लाइक यू नो ब्रदरली लव टू ईच अदर कि चलो यार ये करते हैं। मैं यूजली आई थिंक उदारिया के पहले मैंने कभी कैमियो नहीं किया था अपने, पहली बार किया एंड इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस, नो रिग्रेट। स्पोर्ट्स के बड़े आप शौकीन हैं, फुटबॉल तो वो पैशन अभी तक बिल्कुल जिंदा है, वो पैशन जिंदा है और वो मैं परस्यू कर रहा हूँ, आई एम स्टिल प्लेइंग फुटबॉल। इनफैक्ट मैं बहरीन भी था तो मैं फुटबॉल खेल रहा था वहाँ पर। जी, सो यार आई हैव बीन कनेक्टेड। जिंदगी बहरीन में कैसी है? बहुत इंडियंस हैं, हाउ इज द लाइफ देयर? लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू नो बीइंग अराउंड, आई थिंक योर फैमिली इज द बेस्ट फीलिंग फॉर एनीबॉडी, सो लाइफ इज बीन गुड एंड सो फार सो गुड। थोड़ी जिम्मेदारी आ गई है, पिता बन गए हो? देखिए, जिम्मेदारी तो तब आ जाती है जब शादी होती है, ऑब्वियसली यू नो इट्स लाइक यू फील सर्टिफाइड जिम्मेदार आफ्टर यू बिकम अ फादर। जी, तो बेटी के वजह से कुछ रूटीन चेंज हुआ उसके सोने के हिसाब से आप जगते हो? क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो देखिए वो
मतलब my life has not been any different than any human being, you know, who's had a baby. So I think yeah, ऐसा ही रहा है, सबके साथ हुआ है. And of course, you know, there's a certain amount of change that happens. Of course, I've become much more calmer in life, you know, ever since Layan has come. So yeah, of course. तो वो ऑन द वर्क फ्रंट अब नया क्या हो रहा है, किस तरीके से शोज करना चाहते हैं? आई हैव रिसेंटली डन टू मॉक्स फॉर टू टीवी शोज जी, एंड देयर आर टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हुम आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद. थिंग्स आर मटेरियलाइजिंग, थिंग्स आर इन पाइपलाइन, एंड ऑफ कोर्स डेली सोप्स मीटिंग्स आर गोइंग ऑन. सिंस यू नो आई एम बैक इन बॉम्बे नाउ, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी टू मीट एंड यू नो डिस्कस न्यू सब्जेक्ट्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स. तो इवन टेलीविजन पे तो शोज आते हैं, ओटीटी पे व्हाट योर व्यूइंग हैबिट, किस तरह के शोज आपको एक्साइट किया, व्हिच इज अ कंटेंट व्हिच वाज रियली यू नो. एक शो मैंने रिसेंटली सुना है, नॉट दैट मैं उसके बारे में ज्यादा बोल पाऊंगा, बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी यंग काइंड ऑफ सेटअप एंड वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो ओटीटी पे कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग है, कुछ सारे काफी सारे जी. ये भी था कि बीच में प्यार की कहानी ओटीटी के रूप में आ रहा था, शो के रूप में आ रहा था, बिकॉज़ दैट शो समवेयर यू नो हैज दैट अपील. यस ऑफ कोर्स, यू नो प्यार की कहानी हैज इट्स ओन फैन बेस स्टिल अलाइव फॉर इयर्स, एंड यू नो गॉड हैज बीन रियली काइंड दैट दोस लवली फैंस आर दे स्टिल टॉक अबाउट प्यार की कहानी एंड दे स्टिल गो ट्रेंडिंग ऑनलाइन अबाउट इट. आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग, प्योर ब्लेसिंग फॉर मी. एंड मैंने भी सुना था कि दे वर प्लानिंग टू सी इट ऑन ओटीटी, लेट्स सी, यू नेवर नो. या बिकॉज़ मैंने वेस्ट के बहुत सारे शोज उस तरह के एज अ नेवर से नेवर, यू नेवर नो प्यार की कहानी आ जाए ओटीटी पे. आई वाज वाचिंग द वेब सीरीज ऑफ सम अमेरिकन वेब सीरीज, इट वाज एग्जैक्टली लाइक प्यार की कहानी. तो मैंने कहा हमारे इंडिया में भी हम इस तरह के शोज बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में. वैम्पायर डायरीज, या वैम्पायर डायरी नहीं, उस तरह के और बहुत सारे हैं, बहुत सारे. इफ यू वॉच दैट, यस या सुपरनैचुरल, या सो इट्स अ वेरी बिग जॉनर. टॉकिंग ऑफ शक्ति, आई वांट टू टॉक बिकॉज़ इट वाज आई थिंक वन ऑफ द फ्यू शोज व्हिच ब्रोक द स्टीरियोटाइप्स. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ शक्ति वाज लाइक अ गेम चेंजर फॉर टेलीविजन, बिकॉज़ टाइम पे जब वो आया था. सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक यू नो आई सेड प्रीवियसली आल्सो कि शक्ति जब आया था, तब जब शुरू में इनिशियली मैंने कॉन्सेप्ट सुना था तो मुझे भी डर लगा था. You know, will this kind of show be accepted by the audience or not? Is ye kahin backfire na kar jaye? So you know, we were also you know pretty skeptical in the beginning of it. But yeah, of course, it has broken many barriers, and of course, not to miss some good records on Indian television and some fabulous ratings and some beautiful awards for me. Lastly, you are a foodie, I know. अभी भी ऐसी फूडी हो कि आप फिटनेस कॉन्शियस, बिकॉज आई सी आपने बहुत, यू आर लुकिंग वेरी टोन्ड एंड ऑल, तो हैव यू कट डाउन ऑन योर फूड? बिकॉज फॉर मी इट टोटली यू नो डिपेंड्स, देयर आर सम ओकेजंस लाइक इट्स बर्थडे टाइम, आई मीन आई डिजर्व टू ईट ऑन माय बर्थडे, बट ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑन डाइट. इन फैक्ट इवन इन यू नो व्हेन आई वाज इन पंजाब शूटिंग फॉर उडारिया, आई वाज ऑन डाइट ओनली. आई डिड नॉट गो एंड टेक यू नो, बट I did not take it easy when I went to Punjab. Yeah, I mean, I tasted the food, but not like how I'm supposed to. Jee. So yeah, of course, one needs to control, you know, sometimes. So Vipin, all the best. Such a pleasure to talk to you. Thank you very and much. And we share a very beautiful memories. Thank you very all much. All the best and looking forward to see you more in Bombay, more on television. Sure. On the ending note, what you have to say for your fans who always tag us with when you're coming back with a new show? I think, you know, I've had, you've known my fans for so many years. You know, I think I've had one of the most beautiful, best fans in the world. And lots of love, guys. And thank you so much for all the lovely wishes and lots of love. Thank you so much.